जगदलपुर में 33 जवानों की हत्या में शामिल 8 लाख के इनामी नक्सली ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सली को पुनर्वास योजना के तहत समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। बस्तर रेंज महानिरीक्षक सुंदर राज पी के नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत प्लाटून नंबर 24 का डिप्टी कमांडर प्रदीप उर्फ भीमा कुंजाम ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय भीमा ने माओवादियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास योजना के तहत भीमा को लाभ दिया जाएगा। नक्सली भीमा ने समाज के मुख्य धारा से जुड़कर विकास में सहयोग करने की इच्छा जताई है। छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण पश्चात नक्सली को दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई। प्रदीप भीमा कुंजाम जो कि 2008 के नक्सल संगठन में था, नक्सली संगठन में भद्रू द्वारा एडवाइस सदस्य के रूप में भर्ती कराया गया। अभी वो प्लेटून नंबर 24 का डिप्टी कमांडर था जो कि छत्तीसगढ़ शासन के हिसाब से 8 लाख का इनामी। ये बड़ी बड़ी नक्सली घटना है जिसमें कि मुख्यतः बुर्कापाल जिसमें 25 CRPF के जवान शहीद हुए, CIFF में 2010 में अटैक जिसमें 5 CIFF के जवान शहीद हुए, 2010 में थाना प्रभारी किरणपुर नागवंशी पे हमला जिसमें कि नागवंशी समेत 3 पुलिस जवान शहीद हुए, 2012 में CIFF पे अटैक जिसमें कि 3 CIFF के लोग शहीद हुए, मडंडा में एंटी लैंडमाइन का ब्लास्ट। ये लगातार प्लेटून नंबर 24 पे था, बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है उसकी प्लानिंग में। साउथ बस्तर में बटालियन नंबर 1 में हिरमा के साथ इसने रेडियो की ट्रेनिंग ली थी। मार्ड में जाके इसने 1 महीने का कोर्स किया था। ये बड़े नक्सलियों गणेश जी के, चैतू और विनोद का गनमैन भी रहा है और उनके सिक्योरिटी कंपनी में भी रहा है। निश्चित रूप से इसके सरेंडर से दरबार डिवीजन में पुलिस की पकड़ और मजबूत होगी। आने वाले समय में बड़े नक्सली ढेर होने के सरेंडर करने की संभावना बनी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।